देख रहे हैं केवल सच देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में नवादा और पूर्णिया चंपारण पर राजद या आरजेडी के आगे कांग्रेस की इच्छा नहीं चलने वाली है। पश्चिम चंपारण के लिए संभावना बन रहा है कि ऐसे में वाल्मीकि नगर में मोहत त्याग करना होगा। पटना साहिब कांग्रेस को बहुत पसंद नहीं है। समस्तीपुर में पिछले चुनाव तक वह मुकाबले में रही है, इस बार उसके छीन जाने की प्रबल आशंका है। फायर ब्रांड कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय की अपेक्षा है, लेकिन वाम दलों की दावेदारी आड़े आ रही है। कटिहार में भी ऐसे अड़चन है, हालांकि कांग्रेस वहां अपना दावेदारी नहीं छोड़ रही है। तारिक अनवर के एक बार फिर वहां से दावा आजमाने की संभावना है। प्रियंका गांधी से निकटता के आधार पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम भी हाथ पैर मार रहे हैं। सांसद मोहम्मद जावेद की किशनगंज सीट पक्की। सुपौल और पूर्णिया में से कोई एक सीट मिल सकती है। मजबूत यह विकल्प पर विचार चल रहा है। पप्पू यादव पसीने बहा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में विधायक विजेंद्र चौधरी तो लगातार क्षेत्र में बन हुए हैं। मधुबनी के लिए पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक की चर्चा है। सासाराम से मीरा कुमारी का नाम अभी दरकिनार नहीं हुआ है, लेकिन उनके मजबूत विकल्प पर विचार चल रहा है। औरंगाबाद के लिए भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की उस सीट पर कई दावेदार हैं। राजद की इच्छा है कि वहां कुशवाहा बिरादरी का प्रत्याशी हो। पिछले बार महागठबंधन में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से उपेंद्र प्रसाद ने अच्छी टक्कर दी थी। अफवाहों की मानना है तो 8 से 9 सीट कांग्रेस और 3 से 4 सीट माले को मिल सकता है। बाकी सीट पर राजद खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वह इन पर रिक्स लेने की मूड में नहीं है। सीट पर बन सकती है कांग्रेस की बात। किशनगंज, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बेतिया, सुपौल या पूर्णिया।